अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम क्या बनाएंगे? पिकल्ड अनियंस, छोटे छोटे प्याज, पर्ल अनियंस भी कहते हैं, छोटे से बेबी अनियंस भी कहते हैं। छोटे से प्याज का सिर्फ छिलका उतारना है, उसमें कट लगाना है एक अदद, बस एक क्रॉस, ठीक है, और उसको पिकल करना है। फिर ये दो तीन हफ्ते तक आप छोड़ दीजिए, दो तीन महीने तक खा सकते हैं। कोई भी सैलड में चॉप करके खा सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। मैं बनाऊंगी उसको बीटरूट के साथ, कलर अच्छा सा पिंक आएगा। अब देखें, यहाँ है मेरे पास आधा किलो जितने ये छोटे पर्ल अनियंस हैं, ठीक है। इसको क्या किया है, सिर्फ छिलका उतारा है और यहाँ कट रख दिया है। अगर आप देखेंगे गौर से तो मैंने एक ऐसे करके, क्लोज़अप प्लीज़, ये ऐसे करके एक मैंने कट, सिर्फ एक गैश किया हुआ है, बस दैट्स इट। दोनों तरफ से नहीं करिएगा, ये सारे रेडी करके इसी तरह रख दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पानी लूँगी, जस्ट अबाउट अ कप, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे चीनी, एक से दो चमचे चीनी है और थोड़ा सा नमक है, ठीक है, दैट्स इट, बस। और इसको हम, ये क्या गिर गया इसमें, और हम इसको यहाँ रख देते हैं ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, प्याज लेंगे हम, प्याज को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत खट्टा नहीं करिएगा, एक कप सिरका हम डालेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास यहाँ दो चुकंदर हैं, उनको भी आपने इस तरह आधा काट लेना है, और इसमें कलर के लिए मैं उसमें डाल दूँगी, ये चुकंदर बाद में जाएगा, ठीक है जी। ओके, समझ आ गया। 20-25 छोटे प्याज आ जाते हैं, अबाउट हाफ अ किलो प्याज में, ठीक है। छोटे पर्ल अनियंस लिए थे मैंने, और मैंने एक कप सफ़ेद सिरका लिया था, एक कप पानी है, एक चमचा भर के आप लीजिएगा, एक से दो चमचे भर के चीनी लीजिएगा, और नमक है। उसके साथ साथ मेरे पास दो, मैंने दो लिए थे चुकंदर, लिखा एक ही है, दो इसलिए लिए थे कि बहुत छोटे थे मुझे मिले आज। इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। फिर हम प्याज डाल देंगे, प्याज डालने के बाद थोड़ा सा वी लेट इट कुक फॉर अ वाइल, छूट नहीं जाए प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर हम ये वाला बीटरूट निकाल देंगे, दूसरे बीटरूट को थोड़ा चॉप अप करके उसमें डाल देंगे, और फिर हम सिरका डाल के इसको छोड़ देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज को भर देते हैं बन्नी में और फिर ये पिकलिंग लिक्विड जो होता है वो ऊपर से डाल देते हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये ट्राई करिएगा, बनाइएगा। ये छोटे वाले और इससे भी छोटे मिलते हैं मार्केट में, मुझे नहीं मिले आज। तो आप ऐसे करिएगा, इसको बना के बॉटल भर के रख दीजिएगा, सिरका होगा इसमें तो ख़राब नहीं होगा। कुछ लोगों को हर सैलड में, किसी कचुम्बर में, किसी चीज़ में खटास एक चाहिए होता है, तो ये प्याज चॉप करके आप डाल दीजिएगा, एक एक निकालिएगा। ओके, आज की दूसरी रेसिपी हमारी है चिकन पार्मेसान बर्गर्स। अब चिकन का कीमा है मेरे पास यहाँ, इसके साथ हम जो चीज़ें मिक्स करेंगे फूड प्रोसेसर में, लेकिन उससे पहले हम एक सॉस बनाएंगे। ओके, द सॉस इज़ कॉल्ड मैरिनारा सॉस, यानी कि रेड सॉस जो हम पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। सो हम ये रेड सॉस पहले बनाएंगे। ऑलिव ऑयल ले लें या रेगुलर ऑयल ले लें थोड़ा सा। देखें, चुकंदर जैसे जैसे बॉईल हो रहा है पानी के साथ, ये देखें पानी का रंग कितना प्यारा पिंक सा हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, ओके। मीनवाइल यहां हमें मैरिनारा सॉस बनाना है, यानी कि रेड सॉस। इसको पास्ता पे लगाएं, पिज्ज़ा पे लगाएं, पास्ता में साथ शामिल करें, इसी तरह बर्गर्स के साथ भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। हमारे शो पे आज है इनेक्स की तरफ से रिलैक्स केटल, तो अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे क्या पूछें आज। अचार पिकल बना रहे हैं हम छोटे छोटे प्याज का, तो आप ना कोई भी आपके फेवरेट दो तीन अचार के नाम लिख के 888 पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और ये आप SMS करेंगे 888 पे, ठीक है जनाब। अच्छा चलिए, अब बहुत थोड़ी सी प्याज, बिकॉज बकिया प्याज हम उसमें डालेंगे। हम मैरिनारा सॉस बना रहे हैं, उसके लिए हमें, आप लहसुन डालें इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें, टमाटो केचप डालें, टमेटोज डालें और टमाटो पेस्ट डालें। ये बहुत ही मज़ेदार सा रेड सॉस बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको फ्रीज़ कर दें तो आप इसको छान लीजिएगा बनने के बाद, ताकि प्याज निकल जाए, या प्याज का टुकड़ा बड़ा रखिएगा, निकाल दीजिएगा, और फिर आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लिखिए या पास्ता सॉस लिखिए, इसी तरह आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड करके बना सकते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा एक उबाल आएगा वरना प्याज कच्चा लगेगा, थोड़ा सा उबाल आए लेकिन प्याज बहुत ज़्यादा पक भी नहीं जाए, ठीक है। और कुछ लोग बनाते हैं बहुत खट्टा बना लेते हैं, वो खाया भी नहीं जाता है, सो बैलेंस करिएगा सिरका और ये जो हम चीनी वगैरह डालेंगे। आप चिकन के कीमे से नहीं करना चाहते हैं तो गोश्त के साथ भी कर सकते हैं, बीफ या मटन के कीमे के साथ भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। मुझे और लहसुन की ज़रूरत होगी तो मैं पहले ये इसमें डाल देती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ नाइस मैरिनारा सॉस। आपको दिखाया भी है मैंने पहले ये सॉस बना के, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर आपके सामने बना लेते हैं। अच्छा जी, इसको उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने कट्स लगाए थे प्याज में वहाँ भी पिंक कलर सा जा रहा है। ओके, ये हो गया, अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, और थोड़ा सा कोई भी हर्ब्स डाल दीजिएगा, मिक्स्ड हर्ब्स हैं ये, थाइम, बेजल, पार्सली, सब कुछ मिक्स जो होता है वो। अब आप इसमें टमाटर शामिल करेंगे, दो टमाटर थे, चॉप करके यूज़ कर लीजिएगा। कुछ लोगों को टमाटर वाला रेड सॉस नहीं पसंद है, कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं कि उसमें टमाटो पेस्ट, टमाटो केचप हो, तो आप उस तरह डालिएगा। ये जो सॉस है ये आज बर्गर्स में जाएगा, देयर इज़ नो मेयोनीज, कुछ भी नहीं है इसमें। और सॉस को भी थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए मेरे पास यहाँ तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये आप डाल दीजिएगा, बेशक इसमें रंग चेंज हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छा सॉस बनेगा। ओके, मीनवाइल, अच्छा आज हमारे पास बहुत कम काम है ऑन आर शो, तो प्लीज़ आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें लिखिए, एसएमएस करिए या आप हमें फ़ोन करिए, हमारे नंबर्स चल रहे हैं और आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। पिकल्ड अनियंस हम बना रहे हैं, ये वाला जो पीस है चुकंदर का उसको फिर हम बाद में निकाल देंगे। कलर देखें कितना प्यारा पिंक कलर आ गया है, अच्छा जब तक यहाँ टमाटर पक रहे हैं ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनिक्स की तरफ से कैटल हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी से 888 पे आज आप हमें बताएंगे कोई भी अचार के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, देखें ये कलर, देखिए ये बीटरूट से जो कलर आया है, पानी है इसमें, चीनी है, नमक है और प्याज है और चुकंदर है, ठीक है जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सिरका डाल देंगे, बस अब आप इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। तब तक हम सॉस पे आ जाते हैं। मैंने क्या किया था, थोड़ा सा तेल गरम किया था, उसमें मैंने प्याज को सॉटे किया बहुत थोड़ी सी, एक चम्मच समझ लीजिए, दो तीन लहसुन के जवे, एक या दो टमाटर डालिएगा, थोड़े तुलसी के पत्ते गए थे, कुटी हुई लाल मिर्चें गई थी। अब मैंने इसमें थोड़ा सीजनिंग डालना है, बिकॉज एक्चुअल फ्लेवर सारा इस बर्गर का सॉस में है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज जो मैं केचप और ये टमाटो पेस्ट डालूंगी उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा नमक है। अच्छा, अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, ठीक है जनाब। अब क्या आप डाल सकते हैं, आप मैंने हर्ब्स भी डाले हैं इसमें, मिक्स्ड हर्ब्स। अब ये जब इस तरह का हो गया तो ये सॉस तो नहीं लग रहा ना, इसलिए हम इसमें इस वक्त अब हम केचप डालेंगे, थोड़ा सा केचप जाएगा और टमाटो पेस्ट जाएगा। टमाटो पेस्ट से बहुत अच्छा कलर भी आता है, टमाटो पेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थिक थिक, गाढ़ा गाढ़ा, तो आपने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, याद रखिएगा। फातिमा है मुल्तान से, उनसे पहले बात करते हैं जी। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आवाज आ रही आपकी। हेलो, चलें, और कैसी हैं, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप गुलाम फातिमा हैं? बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा विक्स था आपका, थैंक यू। लेमनेड आइसक्रीम और दो तीन और मैंने आइसक्रीम आपकी ट्राई की थी, कॉफी आइसक्रीम भी मैंने ट्राई की थी, ओके, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत इजी और बहुत मजे की थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बात पूछनी थी आपसे जी, ये आपका वेट लॉस, मुझे लग रहा है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप कुछ कर रही हैं तो बताएं? कुछ भी नहीं कर रही, वैसे ही हूँ, वेट लॉस नहीं हुआ है। कभी बाल के स्टाइल ऐसे होते हैं, कभी कपड़े कैसे होते हैं, कभी कोई कैमरा का एंगल होता है, वो ही हूँ जो हूँ।
नहीं भी मुझे लग रहा है शायद नहीं नहीं ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। कुछ भी नहीं करते हैं जी, कुछ भी नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़। और पता है क्या, आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी थी मैंने, मुझे भी आज पता चला। 4:30 बजे चॉकोहॉलिक्स का शो देखना मत भूलिएगा। चॉकोहॉलिक्स एक सीज़न वन मैंने किया था जब मैं सबसे पहले आई थी फूड डायरी से भी पहले, बहुत साल हो गए, 8 साल हो गए। और उसके बाद मैंने सीज़न टू किया था, ये सीज़न टू शाम को 4:30 बजे आप देख सकते हैं। तो क्या कंप्रेस करके आधे घंटे का किया है? ये देखें हमारे पिकल्ड अनियंस हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये वाले जो थे ना बड़े वाले, ये निकाल देने हैं चुकंदर। ये चिपक क्यों गया है, ये यहां और ये भी यहां, ठीक है। अब ये वाले जो चुकंदर थे जिनको हमने इनमें नहीं बॉईल किया था, दे विल गो इन टुगेदर एंड उसको बस। अच्छा जी, मीनवाइल हमारा सॉस काफ़ी अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल। इसमें तुलसी के ताज़ा पत्ते मैंने डाले हैं, इसके अलावा मैंने इसमें सीजनिंग्स भी डाली हैं, कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स डाल दें, ओरिगैनो डाल दें, व्हाटएवर। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल गर्म करना है, प्याज और लहसुन को मैं थोड़ा सा सॉटे करूँगी। अब देखिए बकिया जो प्याज थी ना वो जाएगी लहसुन के साथ, फ्राई करके डालेंगे बर्गर्स में, चिकन के कीमे में, और फिर उसका बर्गर बनाएंगे, उसको हम फ्राई करेंगे। चीज़ भी बहुत सारा इसमें जाता है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, मीनवाइल ये जो सॉस हमारी है ना उसको गाढ़ा गाढ़ा पकाना है, बहुत पानी नहीं डालिएगा। टोमेटो पेस्ट, टोमेटोज हैं दो चॉप्ड, टोमेटो केचप है, और चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, तुलसी के ताज़ा पत्ते भी डाले हैं, और मैंने सीजनिंग्स भी डाले हैं, हर्ब्स जो भी मिक्स्ड हर्ब्स आएँ, ये हैं मिक्स्ड हर्ब्स। आप मिक्स्ड हर्ब्स ले लें, आप इटालियन सीजनिंग ले लें, कुछ भी आपके पास जो भी कुछ हो, चीज़, ये सारा ब्रेड क्रम्स, ये सब कुछ पैटी में अभी जाएगा, आप देखिएगा मैं बनाऊँगी इसको। बस आई एम वेटिंग के ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। देखें इस तरह का सॉस गाढ़ा होना चाहिए आपका रेड सॉस, सॉस को भी फ्लेवरफुल बनाइएगा, सिर्फ केचप नहीं चाहिए मुझे अंदर, ठीक है। जब ये गाढ़ा और हो जाएगा तो मैं एक बोल में निकाल के इसको रखूंगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो, फॉर मी टू मैनेज। अभी तक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आइसक्रीम वीक, थैंक यू सो मच, और रेसिपीज़ भी लोग ट्राई कर रहे हैं, थैंक यू जी। इसी तरह ट्राई करते रहिएगा, आप लोगों के लिए ही हम बनाते हैं सारी चीज़ें, आप लोग हैं तो हम हैं, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑलवेज़। अच्छा, अब जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी उसमें आप लहसुन, 2-3 लहसुन के जवे चॉप करके या क्रश करके डाल देंगे, ठीक है। इसको सौते हम करेंगे और फिर हम चिकन के कीमे में इसको डालेंगे, जो कि जाएगा सब कुछ एक फूड प्रोसेसर या ग्राइंडर। अच्छा, मीनवाइल मैं ये निकाल दूं यहाँ से, देखें ये हमारा सॉस है। आगे भी मैंने बहुत अच्छे वीक्स प्लान किए हैं, देखिएगा। और अभी तो हम लाहौर आएंगे 16-17 नवंबर, कौन कौन आएगा लाहौर और उनके उसके गिर्द नवाह के जो रहने वाले हमारे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, ज़रूर आइएगा हमसे मिलिएगा एक्सपो सेंटर लाहौर में जो है वहाँ। बस इसको आपने फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, ब्राउन वगैरह नहीं कर दीजिएगा, बस सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा प्याज और लहसुन थोड़ा सौते हो जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास जो चिकन का कीमा है ना उसको हम डाल देंगे इसमें, इसके बाद हम इसमें सारे सीजनिंग्स वगैरह डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी थोड़ी सी, फिर ऑरिगैनो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिक्स्ड हर्ब्स जो मैंने उसमें भी डाले थे ये इसमें भी जाएंगे, मिक्स्ड हैं ये, देखें सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं, बहुत फ्लेवरफुल होते हैं ये बर्गर्स। थोड़े से इसमें ड्राई ब्रेड क्रम्स या एक डबल रोटी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें पार्मेजान चीज़ जाएगा, ये देखें दूसरा पार्मेजान चीज़ ऊपर भी जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ काफ़ी सॉल्टी है, सॉसेस भी सॉल्टी हैं, बहुत थोड़ा सा बराए नाम नमक, बस दैट्स इट। और आप इसको पीस लीजिए, मिक्स कर दीजिए हाथ से, कर दीजिए व्हाटएवर।
मिक्स करके फिर हाथ से दबा के देखिएगा, पैटी बन जाए तो ठीक है, वरना और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब आप डालेंगे। अब जो मैंने यहाँ सौते किया हुआ है प्याज और लहसुन, उसको भी आप डालेंगे। सोबिया है सियालकोट से, जोबिया सियालकोट से जी। हेलो हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपके सामने, थैंक यू, फरमाइए। जन्नत आपकी, कल आपका नया शो शुरू हुआ था, वो बहुत अच्छा था, आप उसमें बहुत स्मार्ट नजर आके आ रही थी। ये पुराना शो है मेरी बहन। और बहुत प्यारी भी लग रही थी। अच्छा, मैंने खुद भी नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं है। प्यारी है, अब आप जरा हैवी हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं ना जी। जनता के सवाल का जवाब दूं? अच्छा जी जी, जरूर दे। शलजम का चार, गाजर का चार, मूली का चार, रसूड़े का चार, आंवले का चार, मिक्स सब्जियों का चार, करेले का अचार, बस बस, और बैंगन का चार, और कोफ्ते का चार। कोफ्ते का अचार, ये क्या है जी? बताइए जरा क्या है ये? वो मसाला चैनल पे नहीं लगता, चार चटिया प्रोग्राम उसमें। अच्छा, वो आपने वो अचार के शो की, अचार भी मुझे लगता है आपने अचार के शो की पूरी लिस्ट निकाल दी, मुझे तो पता ही नहीं कोफ्ते का अचार। देखते हो, मैं बनाती भी हूँ माशाल्लाह, मेरे बहुत पसंद किए जाते हैं अचार। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में जी। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़। फिर मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी, हमें थोड़ा सा और हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, और कुछ अंडा और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब, कुछ नहीं लगेगा। चार बड़े पैटी बनाऊंगी और हम इनको सॉस पैन में या बड़े फ्राइंग पैन में हम इसको तलेंगे। जब ये हो जा रहे होंगे, बिल्कुल थ्री क्वार्टर्स हो गए होंगे, एक एक चीज़ की स्लाइस जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डालूंगी, चीज़ की स्लाइस जाएगी और फिर हम उसके ऊपर ढक्कन ढाँक देंगे तो वो चीज़ की स्लाइस भाप से पिघल जाएगी, फिर निकाल के हम बर्गर्स पे रखेंगे और उसमें हम ये वाला सॉस डालेंगे। नो मेयोनीज, नो मक्खन, नथिंग। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अगर आपने जीतना है एनएक्स की डिलक्स केटल हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी जल्दी 888 पे आप हमें बताएंगे 3 से 4 अचार की रेसिपीज के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक जी, वेलकम बैक। यहाँ मैं तेल गरम कर रही हूँ टू फ्राई आवर पैटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने कर ली थी, मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है यहाँ चीज़ पार्मेसान और चीज़ जो है ये स्लाइसेस वाला और चीज़ मोज़रेला, तीन चीज़ इसमें जाएंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा, 4 से 5 बन जाते हैं इस क्वांटिटी में। और ब्रेड क्रम्स की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा साइड में रखे थे इन केस वी नीडेड, बट आई डोंट नीड इट, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा तेल यहाँ कर देते हैं एक और सॉस पैन या फ्राइंग पैन में, ताकि हम टोस्ट कर दें जो अपने हम बर्गर बंस जो हैं उनको भी हमें टोस्ट करना है, ठीक है। चीज़ी ये पैटी बनता है, ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चिकन है, बहुत जल्दी ये हो भी जाएगा, कोई अंडा क्रम लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है हमने। आप इसको ग्रिल पे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको किस तरह इसको करना है। चिकन का कीमा है बगैर चर्बी वाला। प्याज का कलर देखिए कितना अच्छा, खूबसूरत सा पिंक आ गया, ये देखें, ठीक है। इसी तरह होते हैं, एवरी लेयर यू कैन सी कि पिंक कलर अंदर चला गया है, हमने बीटरूट से किया है, कोई रंग हमने नहीं डाला है। ज़रूर आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा। और ये जो चुकंदर है इसको फेंकिएगा नहीं, ओके। ये जब हो जाएंगे ना तो मैं चीज़ की स्लाइसेस इसके ऊपर रख दूंगी और ढक्कन ढांक दूंगी ताकि चीज़ स्लाइसेस थोड़े पिघल जाएं। फिर बर्गर बंस जो हमारे हैं उस पर हम ये सॉस लगाएंगे, ये वाली सॉस जो आपके सामने हमने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल है, हर्ब्स एंड स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और इसी तरह होना चाहिए गाढ़ा, पतला नहीं रखिएगा सॉस। नाजमीन है कराची से जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरनाक जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मैं नाजमीन बोल रही हूँ कराची से जी, फरमाइए। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपकी तारीफ करना चाहती थी प्रोग्राम की। वेलकम टू आवर शो, आपका स्क्रीन भी बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू,
और मैं आज वो मैं सारी चीजें सामान लेके आऊंगी, बच्चों के लिए बनाऊंगी, फिर आपको पिक्चर्स भी सेंड करूंगी। जी जरूर, थैंक यू सो मच। और जाना का कैसी है? मैं ठीक हूँ, जवाब भी देते जाइए एनेक्स के गिफ्ट के लिए। क्या सवाल है आज? अचार के नाम। किसके? अचार के नाम। अचार? जी जी, अचार के नाम बताइए। हाँ, अचार, नींबू का अचार, हरी मिर्चों का अचार। ठीक है, मिक्स अचार। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। करेले का भी अचार होता है, बैगन का भी होता है। ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू सो मच। चलिए ये हो गया, अब आप इसी तरह करते जाइए टोस्ट। और यहाँ देखें कलर बिल्कुल इसका इसी तरह होगा, ब्राउन वाउन नहीं करिएगा, दोनों तरफ से हो जाएगा और अंदर से भी हो जाएगा, तब मैं चीज़ की स्लाइस इसके ऊपर रखूँगी। ठीक है, बर्गर बंस टोस्ट करेंगे, सलाद के पत्ते रखेंगे, ये सॉस डालेंगे, ये पैटी डालेंगे जिसके ऊपर चीज़ होगा, अंदर भी चीज़ है ऊपर भी चीज़ है, और थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ ऊपर से डालेंगे, तुलसी के पत्ते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें ये चिकन के जो पैटी हैं, एक दफ़ा आप बनाएंगे ना घर में तो बच्चे फिर यही मांगेंगे, ट्राई करिएगा। ठीक है, चीज़ के स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं, जब दोनों तरफ से चिकन का पैटी हो जाए तब प्लीज़ जल्दी नहीं करिएगा, कच्चे में नहीं कर दीजिएगा। और मैं इसके ऊपर ढक्कन ढांक दूंगी ताकि किसी की भाप में ना ये पक जाए, मतलब मेल्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ मुझे बेस पे थोड़ा सा ये सॉस लगाना है, गाढ़ा होना चाहिए सॉस, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, बहुत मज़ेदार बर्गर्स बनते हैं, चिकन पार्मिजान बर्गर्स, जिसमें मोज़रेला चीज़ है, पार्मिजान चीज़ है और जिसमें ये चीज़ स्लाइसेस भी हैं। अलग से भी ये सॉस आप ट्राई करिएगा। फिर सलाद के पत्ते रखिएगा थोड़े से, और ये पैटी, पार्मेजान चीज़ ऊपर से भी थोड़ा सा डालूंगी, हम इस पे भी रख सकते हैं, वाई नॉट, इसको क्यों हम सूखा रखें। चीज़ की स्लाइस देखें पिघल गई। पिकल्ड अनियंस दिखाइएगा जो हमने अचारी छोटे छोटे प्याज बनाए थे चुकंदर के साथ। सुमैया है रायबंद से, अब उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए। मुझे आपसे ना एक फरमाइश करनी है। जी जी जरूर। एक तो हम क्रीम रोल बनाते हैं ना जी, क्रीम पफ होते हैं जी, वो आप बनाना सिखा दें। मैंने बनाया है पूरा, मैंने ये पफ का शो किया है, आपने नहीं देखा था? मैंने उसमें एक्लेयर्स बनाए थे, मैंने उसमें इतनी सारी चीजें पफ पेस्ट्री से बनाई थी। अच्छा, आप ऐसे करिएगा, उस पे देख लीजिएगा डेली मोशन या यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने पूरा शो किया है। अभी देना चाहूंगी। जी जी जरूर। आम का अचार, मिर्च का अचार, लेमन का अचार, लहसुन का अचार, गाजर का अचार, शलजम का अचार, लसूड़ों का अचार। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जस्ट लिफ्ट दिस अप और आप इसको आराम से इस बर्गर पैटी को चीज़ के साथ जो हमने बनाया है, उफ इट्स सो यमी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी खा लूं। इसी तरह बनाइएगा और बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगेगा। इसमें इतनी सारी तीन किस्म की तो मैंने चीज़ डाली है। ठीक है, चिकन पार्मिजान बर्गर्स है लेकिन मोज़रेला चीज़ भी इसमें है। और अब हम इसके ऊपर और मज़ीद चीज़ डालेंगे जो कि है दिस पार्मिजान चीज़, थोड़ा सा इसके ऊपर। कुछ लोगों को पार्मेजान चीज़ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगे नहीं डालिएगा, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये तुलसी के पत्ते भी जाएंगे, सोचें आप कितना मज़ेदार, हेल्दी। कम तेल में आप ग्रिल कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया. अब जो सेकंड वाला हमारा बन है उसके ऊपर रख के वी विल जस्ट पुट दिस हियर. ये लिया आपने उप्स और ऐसे करके. Lots of sauce oozing out. हालांकि मैंने सॉस कितना गाढ़ा रखा है फिर भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा. अब एक और रेसिपी रिकैप का ब्रेक चलेगा, उसमें आपने जो आज की जो दोनों रेसिपीज हमने बनाई हैं उसको आप देखिएगा, अपनी डायरी में नोट करिएगा, ज़रूर बनाइएगा. चुकंदर और छोटे प्याज के साथ मैंने यार पिकल्ड अनियंस बनाना सिखाया, इससे भी छोटे प्याज मिलते हैं ठीक है. और ये ठंडा हो गया है, मैंने इसको भर दिया है. आप गरम गरम भी कर सकते हैं. साफ़ बोतल होनी चाहिए, अचार चटनी जैम कुछ भी बनाए ना, बोतलें साफ़ होनी चाहिए. इतनी साफ़ हो कि आपने बड़ा पतीला लिया, उसमें बहुत सारा पानी डाला, कांच की बोतलें उसमें डाल दी. स्टेरिलाइज कैसे करते हैं बॉटल्स में बताती हूँ. उबाल आ गया, आपने उन बोतलों को ध्यान से निकाल के हाथ बचाइएगा, अवन ऑन करिएगा, गर्म हो जाए बंद कर दीजिएगा. एक बड़ी ट्रे लीजिएगा, उस पर ये सारी बोतलें लगा के अवन में 10-15 मिनट सूख जाएंगी. कभी भी कपड़े से सुखाने की कोशिश नहीं करिएगा ठीक है. कोई टिश्यू पेपर किचन क्लॉथ कपड़ा नहीं डालिएगा. और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको निकालेंगे और गरम गरम भी आप भर सकते हैं. वानिया है कराची से, उनसे बात करते हैं जी. हेलो वालिया. हाँ वादिया, वादिया जी फरमाइए. बहुत अच्छी लगते हो आप मुझे. थैंक यू. मेरी आज फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है. माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो. थैंक यू. और ये बर्गर और खास तौर पे अनियन पिकल जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है. ओके बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैं जरूर ट्राई करूंगी. और दूसरे ये कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं जी. मैंगो पिकल होता है, उसके बाद मिर्ची का अचार होता है और लेमन का अचार होता है, के अलावा लहसुन का है, अदरक का है, गाजर का अचार है. ओके. अचार तो बहुत सारे, करेले का अचार मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा होता है. कौन सा? करेले का. अच्छा थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं. किसी ने अभी तक मेरा फेवरेट अचार का नाम ना पूछा, ना ही किसी ने SMS किया. वो है आनी का अचार, नहीं आम का नहीं. आम से ज़्यादा मुझे आनी का अचार अच्छा लगता है. आनी जो फिश मछली की जो अंडे होते हैं ना, मछली के अंडे, उसके भी हम अचार बनाते हैं. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं बनाती हूँ वो, और कभी आप लोगों को भी सिखाऊंगी. और हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं. चिकन पार्मेसान बर्गर्स आर रेडी एंड पिकल्ड अनियंस एज वेल. अभी रेसिपी रिकैप चलेगा. अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो अपनी डायरी में जल्दी से नोट कर दीजिएगा. स्टे ट्यून्ड. चिकन पार्मेसान बर्गर्स. अच्छा, चिकन का कीमा आधा किलो, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 2 जवे, मैरिनारा सॉस 3/4 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज आधा कप, रेड क्रम्स आधा कप, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चीज 4 स्लाइस, बर्गर बंस टोस्टेड 4 अदद, पार्मेसान चीज 1/4 कप, तुलसी के पत्ते 4 अदद. तरकीब: तेल गर्म करके प्याज और लहसुन सौते करके चूल्हे से उतार लें. उसके बाद बोल में 1/4 कप मैरिनारा सॉस, कद्दूकश मोज़रेला चीज, रेड क्रम्स, बाकी सीजनिंग और प्याज का मिक्सचर शामिल करके मिक्स करें. साथ ही चिकन मिला दें, फिर हाथ गीले करके 4 पैटी बना लें. अब तेल गर्म करके पैटी फ्राई कर लें, फिर इनके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखकर ढक दें कि चीज़ पिघल जाए. अब इन्हें बंस पर रखकर बाकी मैरिनारा सॉस, पार्मेसान चीज़ और तुलसी के पत्ते डालकर सर्व करें. पिकल्ड अनियंस. अच्छा, छोटी प्याज 20-25 अदद, वाइट विनेगर 2 कप, पानी 2 कप, नमक 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, चुकंदर 1 अदद दरमियाना. तरकीब: एक पैन में पानी गर्म करके इसमें नमक और चीनी मिलाएं, उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें. फिर इसमें आधा चुकंदर डालकर पानी ठंडा होने दें. अब चुकंदर निकाल लें, उसके बाद छोटी प्याज छीलकर ऊपर छुरी से सुराख कर लें और पिकलिंग जार में डाल दें. साथ ही सिरका और पानी शामिल करें, फिर इसमें बाकी चुकंदर डालकर जार बंद करके 1-2 घंटे फ्रिज में रख दें. जी वेलकम बैक. अब देख रहे हैं फूड डायरीज. पिकल्ड अनियंस चुकंदर के साथ, यानी बीटरूट और अनियंस जो हमने पिकल किए थे वो भी रेडी हैं. उसके साथ साथ हमने जो चिकन पार्मेसान बर्गर्स बनाए थे वो भी रेडी हैं. ज़रूर इसी तरह ट्राई करिएगा. मोज़रेला चीज़, पार्मेसान चीज़ और ये चेडर चीज़ की जो स्लाइसेस मैंने रखी हैं, इसी तरह बनाइएगा आप भी और अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को आप सर्व करिएगा. रेसिपीज़ नोट करते रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा. शाम को मंडे टू फ्राइडे 4:30 बजे मेरा दूसरा शो देखिएगा जो बहुत पुराना है, इसीलिए हमारे कॉलर्स कह रहे हैं कि उस वक्त
अब तो बहुत पतली थी, अब क्या हो गया? नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ये है कि पतले तो दुबले तो होते रहते हैं, और वो बहुत ही कितने 6 साल आई थिंक 6 या 7 साल पुराना शो है। अच्छा जी, आज कौन जीता है इनेक्स की तरफ से? जरीना फैसलाबाद से जीती हैं हमारा गिफ्ट, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, और आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यस यस यस, मुझे ये भी याद आया कि रिदा क्या आज बना रही है, मुझे ये भी अनाउंस करना है। सो आप रिदा का शो भी देखिएगा 2:30 बजे। तड़का में आज आप देखेंगे लोकी और पनीर के कोफ्ते, सब्जी बिरयानी, पोटैटो चीज बॉल्स। सो इसी तरह हमारे सारे शोज देखिएगा, और अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाजत। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज़।